एडमिन मत बनाना और आप ओनली एडमिन रखना, तो होगा क्योंकि आप बोल सकते हो, आप बता सकोगे इनको कि क्या हुआ आज, ये कभी नहीं लिख पाएंगे उस पर। ठीक है, अगला 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 अगली साइड पे चलते हैं, बहुत सब लोग अगली साइड। आई सत्य परीक्षा। अच्छा, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो फेक न्यूज पर काम कर रहे हैं, फेक न्यूज पकड़ने पर। ठीक है, एक उसमें से ललन टॉक है जिसमें मैं काम करता हूँ। यहाँ पे वो दो फोल्डर थे, वो कहाँ गए? मेरे पास ही ललन टॉक। अगर आप जाएंगे और आप वहां पे वायरल केंद्र खोलेंगे तो आपको एक टैग मिलेगा पड़ताल। पड़ताल में हम लोग यही करते हैं कि इस तरह के जो फेक मैसेजेस चलते हैं, फलानी मस्जिद के बाहर ये मिला, दंगा हो गया, हम उसकी सच्चाई पता करते हैं और उस पर खबर करते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम अकेले संस्थान नहीं है, हमारी तरह और भी कई सारे संस्थान हैं जो फेक न्यूज बस करने का काम कर रहे हैं। आपको जो मुफीद लगे, जो जबान आप समझते हैं, अंग्रेजी समझते हैं तो अंग्रेजी में आप उन वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं, हिंदी समझते हैं तो आप हिंदी वाली वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं। एक हमें हमारे अलावा भी और। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कितने लोगों ने ये फोटो देखा? किसी ने? मैं दिखाने आ नहीं, कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कितने लोग बोर हुए? कितने लोग को घर जाना है? अरे घर तो जाना ही है सबको, उसमें क्यों नहीं बोलो? ये वाली गर्दन वाली, गर्दन वाली यार ग्राफिक। अच्छा, ये फोटो किसने देखी थी? देखने में क्या लगता है? नरेंद्र मोदी लगते हैं देखने में? नहीं, ये तस्वीर असली है। कर कैसी दिखाएंगे? वो तो ऑब्वियस है, लेकिन अब लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अगर लोग लिख रहे हैं और ये बात बहुत सर्कुलेट होती है तो हम लोग या बाकी लोग भी जो इस पे काम करते हैं वो लोग इसकी सच्चाई पता करते हैं। हम लोग पड़ताल फोरम पे करते हैं, उन लोगों की अलग है। अब जैसे ये बात खूब कही जा रही थी कि मोदी के जो मझले भाई हैं वो ऑटो चलाते हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी के भाई नहीं है। इनका असली नाम शेख अयूब है, वो तेलंगाना के आदिलाबाद के बागल या बकला गुडा मोहल्ले में रहते हैं। तो ये आदमी असली है, ऑटो असली है, लेकिन इसके इनके साथ जो चीज लिखी है वो गलत है। आप चाहे पड़ताल पे देखें, चाहे आपको जो मुफीद प्लेटफॉर्म लगे देखें। ठीक है, आगे चले सर। एक बार फिर से सर, अगली सर। क्या समझ गए पहली चीज? सर झूठ और अफवाह का फर्क, दूसरों का नजरिया, आईना वाला, गुलदस्ता वाला, खरगोश वाला, अलग अलग लोगों की एक ही मैसेज को लेकर अलग राय हो सकती है। सारणी का शोर। ठीक है, एक बार सोचे कि आपका मैसेज पढ़ के दूसरा कैसा महसूस करेगा। अगर इतनी चीजों में से आपने थोड़ी भी दिमाग में रखी है तो यकीन मानिए दुनिया थोड़ी बेहतर होगी। क्योंकि हो सकता है सारणी में ना हुआ हो, लेकिन बहुत जगह फेक न्यूज के चलते मारपीट भी हुई है, ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ, लोगों की जान भी हुई। साउथ के आपने वो एग्जाम्पल सुने होंगे जहाँ पे बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही थी। क्या हो रहा था? लोग एड्रेस पूछने के लिए रुक रहे थे और भीड़ उन्हें पीट पीट कर मार दे रही थी ये कह के कि ये बच्चा चोर है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे ये पढ़ा था या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पढ़ा था कि बच्चा चोर घूम रहे हैं। तो ये जो हमें लगता है कि जेब में फोन पड़ा रहता है, एक आध मैसेज भेज भी दिया बिना सोचे समझे, तो क्या होगा? तो ये उस क्या होगा का जवाब है कि किसी की जान भी जा सकती है। कई जान वापस आती है? नहीं आती। ये एक ऐसी चीज है जिसमें दूसरा मौका जैसी चीज नहीं है। तो किसी का इतना बड़ा नुकसान हो,
इससे बेहतर है कि हम अपनी आदतें थोड़ी सी सुधारें। हम लोग जिस तरह से असल जिंदगी में लोगों से बात करते हैं, जैसे आप अभी बड़े तमीज से पेश आ रहे हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर भी आए। इतनी बात हमको फेसबुक की तरफ से और ललन डॉट की तरफ से आप सबसे शेयर करनी थी। ललन डॉट की चुनाव यात्रा अब आगे भी बढ़ने वाली है, हम आपके शहर में एक और प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, चाहे तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास शुक्रिया मौर्य सर का जिन्होंने अलाउ किया हमें इस वर्कशॉप के लिए। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे झेला, क्योंकि मुझे नहीं देख हुआ होता क्या है, कई बार सही चीज भी हम नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों सुने, और फिर नफ में भी ऐसे ही पहुंच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी जब बहुत बड़ी चीज आपकी जिंदगी में होकर के गुजर जाती है तो आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार क्या कि शायद मैंने ऐसा नहीं किया होगा। कई बार हमारे साथ होता है, जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है उन लोगों के साथ ये होगा। एक चीज जो ऐसा होने से डाल सकती है वो है हमारा ऑनलाइन बिहेवियर सुधारना, और उसके लिए ये वर्कशॉप हमने की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज के साथ मैं हूं निखिल सारनी से, शुक्रिया।